नमस्ते दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बादाम से शरीर को ऐसे क्या फ़ायदे मिलते हैं जो आपको किसी और चीज़ से नहीं मिल सकते और साथ ही आपको बताऊंगा कि आपको कितने बादाम एक दिन में लेने हैं क्योंकि कम क्वांटिटी लेने से शरीर को कोई फायदा नहीं होता और ज़्यादा बादाम खाने से बॉडी की हीट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है बादाम का सेवन हमको रोज करना चाहिए दोस्तों क्योंकि बादाम खाने से आंखों की रोशनी तो बढ़ती ही है साथ ही बाल भी स्वस्थ होते हैं और स्किन को साफ करने के साथ साथ शरीर के अंदरूनी हिस्सों के लिए इतना फायदेमंद है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा क्योंकि बादाम में विटामिन ई e, जिंक कैल्शियम मैग्नीशियम और ओमेगा थ्री और फैटी एसिड जैसे भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं इसका फायदा तभी होता है जब आप बादाम रात को भिगो खाएंगे और सुबह उठकर उसका छिलका उतार कर उसकी सफेद गिरी खाएंगे भीगे हुए बादाम खाने से हमारे दिमाग की यादाश्त तेज होती है इसके साथ साथ हमारे आंखों की रोशनी को भी बढ़ाता है साथ ही आपके दिल को भी स्वस्थ रखता है अगर आप किसी भी तरह से हृदय रोग से परेशान हैं तो आपको बादाम का सेवन जरूर करना चाहिए साइंटिफिक रिसर्च में यह माना गया है कि बादाम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है अगर आप अभी से बादाम खाना स्टार्ट कर देंगे तो आपको आने वाले समय में ब्लड प्रेशर से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी लेकिन आपको यहाँ पर एक बात जरूर जाननी चाहिए कि आपको दिन में कितने बादाम खाने चाहिए जो हमारे शरीर के लिए सही हो यानी उससे किसी भी तरह का नुकसान ना हो शरीर को आपको एक दिन में पांच से ज़्यादा बादाम नहीं लेने चाहिए अगर आप पांच से ज्यादा बादाम एक दिन में लेंगे तो आपकी बॉडी की हीट बढ़ सकती है दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें